हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस खतरनाक फाइट में, क्योंकि आज होने वाली है द खतरू टीम वर्सेस द रॉक टीम। और गाइस, फर्स्ट टाइम WWE 2K24 के अंदर द खतरू टीम टैग टीम मैच खेलने वाली है। और खतरू टीम के मेंबर आपको पता ही है, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, और उनके अगेंस्ट है रॉक, कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस। और गाइस, दोनों ही टीम के एंट्रेंस के साथ में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अगर ये एंट्रेंस आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग कॉमेंट करके बताओगे ठीक है ये एंट्रेंस, तो इस एंट्रेंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर इसी एपिसोड के अंदर, इसी वीडियो के अंदर इस एंट्रेंस को स्टॉप कर देंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के मैं मैच को स्टार्ट करता हूं और ये मैच होने वाला है स्मैकडाउन में। और गाइस, जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, ये एंट्रेंस देख के आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हो मेरे वर्क से, क्योंकि ये एंट्रेंस मैंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढ के निकाला है। गेम के अंदर ही था बट इसको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है भाई। और गाइस, मैंने म्यूज़िक ऑन करके रखा है, मैं फिंगर क्रॉस करके रखा हूँ इस म्यूज़िक के वजह से कॉपीराइट नहीं आना चाहिए चैनल के ऊपर बस। और ये रहा भाई द शील्ड का एंट्रेंस, मैंने द खतरू टीम को दे दिया भाई, ज़्यादा ज़बरदस्त भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और ये फुल ऑन एंट्रेंस भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि ये जो एंट्रेंस है मैं आगे के वीडियो में यूज़ करूँ या फिर एंट्रेंस ऑफ कर दूँ, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर आप लोगों को कोई और एंट्रेंस देखना होगा, कोई और एंट्रेंस बोलोगे कि और कोई एंट्रेंस दिखाओ, तो मैं और भी एंट्रेंस सेट कर सकता हूँ द खतरू टीम के ऊपर भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और ये जो मूव है रोमन रेंस का, ये नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। अभी वी द वंस का भी साइन ये लोग करेंगे, देखना अभी वी द वंस का साइन जो है वो भी ये लोग करने वाले हैं। द शील्ड का साइन, सॉरी मैं वी द वंस का शील्ड बोल रहा हूँ, सॉरी द शील्ड का साइन भी ये लोग करने वाले हैं, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना। और एक अच्छी बात ये है इस गेम की कि जॉन सीना बहुत ही तगड़ी फाइट करते हैं, तो इनकी टीम और भी ज़्यादा तगड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है जब ब्रॉक लेसनर द बीस्ट इस गेम के अंदर आएंगे। बस भाई, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिन बचा है, वो इस गेम के अंदर आने वाले हैं ऑफिशियली, या फिर इस मंथ के लास्ट तक का तो कंफर्म आ ही जाएंगे इस गेम के अंदर द बीस्ट, द ब्रॉक लेसनर। तो भाई, तीनों ही सुपरस्टार वेट कर रहे हैं अपने ओपोनेंट टीम का, यानी कि द रॉक के टीम का। और द रॉक की टीम के एंट्रेंस के साथ में मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है गाइस, ये म्यूजिक से सिर्फ स्ट्राइक नहीं आना चाहिए बस, मजा आ जाएगी भाई। फिर टीम द रॉक, सेथ रॉलिंस, द रॉक, कॉडी रोड्स। और ये जो एंट्रेंस है ना सेथ रॉलिंस का, ये बाय डिफॉल्ट भाई 2K वालों ने ही ये एंट्रेंस डाला है, वही एंट्रेंस मैंने इस टीम के साथ में भी डाला है भाई, ज़बरदस्त एंट्रेंस। आप लोगों को कौन सा एंट्रेंस ज़्यादा अच्छा लगा, द शील्ड का एंट्रेंस मतलब द खतरू टीम का एंट्रेंस या फिर द रॉक के टीम का एंट्रेंस, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और लाइक कर देना इस वीडियो को, लाइक का एम सिर्फ और सिर्फ 100 का एम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं मैच। ऑलराइट गाइस, फाइट के स्टार्ट कर रहे हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। और रोमन रेंस स्टार्ट में ही अपना स्पीयर पहना दिया भाई। मैंने ये एक बात देखा हुआ है कि इस गेम के अंदर रोमन रेंस स्टार्ट में ही अपना फिनिशर पहनाते हैं और सामने वाले को भाई नॉकआउट कर देते हैं। द रॉक के टीम के कप्तान द रॉक एलिमिनेट हो चुके हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक फिनिशर में, एक फिनिशर माना रोमन रेंस ने और बंदे को बाहर एलिमिनेट कर दिया भाई 10 सेकंड के अंदर अंदर एलिमिनेट। और ब्रॉक लेसनर, द खतरू टीम अपने लेवल के हिसाब से ही फाइट कर रही है, द खतरू टीम के ब्रॉक लेसनर ने भी द कॉडी रोड्स को एक फिनिशर चिपका तो दिया बट बचा लिया भाई सेथ रॉलिंस आके। अब ये मैच हो चुका है 2 vs 3, द खतरू टीम हमेशा की तरह इस मैच के अंदर भी डोमिनेट कर रही है और एक और मुझे लग रहा है कि एलिमिनेट हो जाएंगे, एलिमिनेट तो नहीं हुए बट रिवर्स हो गया भाई, चलो ठीक है, अच्छा हुआ रिवर्स हो गया, वरना ये मैच थोड़ी सी छोटी हो जाती थी, रिवर्स कर दिया, बच गए भाई कॉडी रोड्स, वरना मुझे लग रहा था कि एक फिनिशर के अंदर अगर रॉक जा सकते हैं तो 2 फिनिशर के अंदर कॉडी रोड्स भी जा सकते हैं भाई। ये लगा सुप्लेक्स सेथ रॉलिंस को, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को लगा एक सुप्लेक्स, और सेथ रॉलिंस भाई अपनी जगह पे जाके चुपचाप खड़े हो जाओ क्योंकि ये टीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इस टीम का नाम है द खतरू टीम। तो भाई द रॉक एलिमिनेट होने के बाद में कॉडी रोड्स अंदर आए तो थे, लीगल बंदे कॉडी रोड्स है बट भाई मार खा रहे हैं फिलहाल सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर के हाथों से। द बीस्ट अनलिस्ट, बहुत ही खतरनाक वाला मोमेंटम बना के देखे गए थे भाई रोमन रेंस, और ये लोग जो डोमिनेट कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे हो गया रिवर्स और ब्रॉक लेसनर डाउन, ब्रॉक लेसनर भाई सेथ रॉलिंस की बॉडी देखो आप लोग, सेथ रॉलिंस ओ यहाँ पे लगा क्रॉस रोड और
क्रॉस रोड लग तो चुका है बट ज्यादा मार नहीं खाई है ब्रॉक लेसनर, मुझे नहीं लगता कि पिनफॉल होगा। ओ भाई नहीं हुआ नहीं हुआ, मुझे लगा कि पिनफॉल हो गया भाई, ये रेफरी हार्ट अटैक दे देगा मुझे क्योंकि उसने मारा नीचे फिर उसके बाद में कैंसिल किया। मुझे ऐसा लगा कि एक फिनिशर में यार रोमन सॉरी ब्रॉक लेसनर जाएंगे, हो भी सकता है भाई, और दूसरा भी फिनिशर लग गया, एलिमिनेट तो नहीं हुए बट पिनफॉल हो सकता है भाई, क्योंकि बचाने नहीं आ रहा है कोई भी, ब्रॉक लेसनर और रोमन रिग्स दोनों ही बचाने नहीं आए भाई, दोनों ही बचाने नहीं आए ब्रॉक लेसनर को। मुझे लगा कि दोनों बचाने के लिए सेव करने के लिए आएंगे और कॉडी रोड्स का भी एलिमिनेशन हो गया है, तो भाई अब हो चुका है 2-1। सेथ रॉलिंस फर्स्ट टाइम रिंग के अंदर आए और पहले ही उनकी बॉडी येलो है, तो भाई जॉन सीना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खेलते हैं 2K24 के अंदर। 2K23 के अंदर इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इतनी ज़्यादा अच्छी फाइट नहीं करते थे, बट गाइस 2K24 के अंदर आते ही कॉडी रोड्स को एलिमिनेट कर दिए और सामने ट्राइबल चीफ, और ये लगा कनेक्ट हो गया, मुझे लगा था कि रिवर्स हो जाएगा बट नहीं हुआ। तो ट्राइबल चीफ अगर अंदर आएंगे, ट्राइबल चीफ के पास में एक फिनिशर है, अगर एक फिनिशर और लगा सेथ रॉलिंस को तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस की यहाँ पे कहानी ख़त्म होने वाली है भाई। और एक और बात मुझे समझ में आ गई है, ये लगा बिग बूट फेस के ऊपर, एक और बात मुझे समझ में आ गई कि ये जब मैं फाइट लगाऊं तो सभी सुपरस्टार को सिर्फ एक एक ही फिनिशर दूं, अगर मैं दो फिनिशर दूंगा तो ये मैच जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी होने वाली है आज के जैसे। बट गाइस द खतरू टीम अपने लेवल को बरकरार रखते हुए, अपने नंबर को बरकरार रखते हुए इस मैच को जीत चुकी है, ज़्यादा बड़ी मैच नहीं हुई बट गाइस इस मैच को जीती है द खतरू टीम, ब्रॉक लेसनर, रोमन रिंग्स और जॉन सीना। तो गाइस मुझे कमेंट करके गाइड करते रहना, कमेंट करके मुझसे बात करते रहना, आप लोगों को क्या अच्छा लगा, आप लोगों को क्या ठीक नहीं लगा, आप सभी लोगों को कमेंट में पढ़ता हूँ और उसमें से कुछ लोगों को शाउट आउट भी देता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझसे बात करो और लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।